चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम जाएंगे तीसरे वाले टर्मिनल थ्री में। ये अभी हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। कैसा लगा दिल्ली एयरपोर्ट गौरव? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है ये दिल्ली एयरपोर्ट। और मैं कॉफ़ी पीने वाला, मुझे कॉफ़ी पीने की जबरी तलब लगी है। देख सकते हो पूरा व्यू। नमो, कैसा लगा है दिल्ली का एयरपोर्ट? तूने तो देखा हुआ है ना? बहुत पसंद। तूने तो देखा हुआ है ना? दो बार। अभी बोर्डिंग पास मिल गया है और हम जाने वाले हैं दिल्ली टू ले लद्दाख जा रहे हैं हम। और अभी ये जो डिपार्चर है वहाँ से हम करेंगे, फिर वहाँ पे जाके आपको शांति से पूरी बात सब। गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे हमको प्यारा सनराइज है वो दिख रहा है यहाँ पे, छोटे आप देख रहे हो। और हम जाएंगे 38 नंबर के गेट पे। अभी टाइम हुआ है 7:70 और आई थिंक 40 मिनट्स का टाइम बाकी है हमारी जो फ्लाइट है उसको बोर्ड होने में। तो अभी भी वेट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो पूरा सिचुएशन था वो सिचुएशन के हिसाब से फिर हमने जो बुकिंग है वो हमने ले का बुकिंग करवाया। और अभी हमारी जो फ्लाइट है वो है न्यू दिल्ली टू ले और उसका बुकिंग अवेलेबल था तो फिर हमने करवा दिया। और अभी हम जा रहे हैं ले लद्दाख। प्लानिंग नहीं था ले लद्दाख का, प्लानिंग था उत्तराखंड का, लेकिन अभी ले लद्दाख जाएंगे और वहाँ पे जाके पूरा ले लद्दाख जो है उसको एक्सप्लोर कर देंगे बैक टू बैक। अच्छे ज़बरदस्त वाले वीडियो आने वाले हैं तो आप लोग रेडी रहना। बराबर है। अभी क्या करें नमू? लीव रिपोर्ट बना रही है। यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गई है लेकिन वहाँ पे गर्मी नहीं रहने वाली है। वहाँ पे हमारा जो सिंगल डिग्री सेल्सियस है वो रहने वाला है। तो हमने सब बुकिंग सब अभी करवा दिया है तो लेट्स जस्ट सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और आपको पूरे कॉस्ट कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्चा आता है, बाइक टूर का खर्चा कितना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी आप बस इस व्लॉग को कंटिन्यूसली देखते रहो और लास्ट तक देखो, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दो। हम भी तो खड़े ही हैं ना। तो ये यहाँ से अभी हम गो एयर में बोर्ड करने वाले हैं। फाइनली अभी मैं, दिनेश, गौरव थोड़ा आ गया, दिनेश थोड़ा आ गया, नमो
अभी हम होटल पे पहुंच गए और ये है होटल यास्मीन। ओहो कितनी प्यारी होटल है जो अभी हमें रहने का है यहाँ पे। एक दो दिन के लिए तो यहाँ पे ही रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी तो बहुत मस्त होटल है। अभी आपको अगर देखनी हो कि कितनी ठंडी है तो हम वह यहाँ पे काम करेंगे। 3 2 1 पे फूंक मारे, देख रहे हो ना, धुआं धुआं धुआं। कितनी प्यारी होटल है, नहीं बहुत मस्त वाली होटल है। और ये वाले ट्रीज जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे ही मिलते हैं, ऐसे वो कश्मीर की साइड ही मिलते हैं। तो मैं इसको कर त्याज समझ लग रहा होटल ग्रैंड यास्मीन लद्दाख 11,200 फीट है। हाँ और एक खाना है तो दोस्तों हमने दो रूम लिए हैं और सबसे पहले हम ये फैमिली रूम जो है उसका व्यू दिखाते हैं। दोस्तों यार आप मतलब आप बहुत 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 पागल जलने वाले हो आप, क्योंकि आप मुझे पता है आप घर पे बैठ के व्यू देख रहे हो, लेकिन ये पूरा देखो। ओहो आलीशान। सबसे पहले होटल की चीज होती है वॉशरूम, और आप देखो यार मतलब कितना बड़ा वॉशरूम है यार। मतलब एक पूरा रूम जितना वॉशरूम है यहाँ पे मिला है हमें। और ये अगर आप देखोगे पूरा कपबोर्ड दिया हुआ है, वार्डरोब दिया हुआ है। वार्डरोब में भी आप देख लेते हैं, वार्डरोब भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो उसमें भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ग्लास भी दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टीवी है, और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बेड दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा मतलब कंबल का जो है वो भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक और रूम भी है छोटा सा, मतलब यहाँ पे एक और रूम भी सेटअप किया हुआ है बराबर है। लेकिन ठीक है, अभी रूम तो आपने देखे हो गए। अरे यार आप देखो तो सही, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ना वो है नज़ारा। और नज़ारा देखो तुम, आप वो आइस का जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। और अभी अभी आपको ड्रोन शॉट्स पे पूरे नज़ारे दिखने वाले हैं। अभी हम नज़ारा दिखने वाले हैं। एक बालकनी भी दी हुई है, छोटी सी बालकनी है, बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे एक चेयर रख के आराम से बैठ सकते। और ये जो ट्रीज है ना, ये ट्रीज आपको मतलब यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं। लेह लद्दाख पे यहाँ पे आप देखो जो ग्लेशियर का जो नज़ारा है वो कैसे दिख रहा है। आई थिंक जिनेश आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा सकता है। जिनेश थोड़ा जूम करके दिखाना अपने व्यूअर्स को कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे तो माउंटेन्स और बादल तो जो मतलब ऐसे नज़दीक ही है ऐसे। तो अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है हमें, और हम यहाँ पे है हमारे पास है आलू पराठा और ये दही है, और बस ये अचार भी हमारा आ गया है। तो अचार दही आलू पराठा खाएंगे मस्त तरीके से और फिर रेस्ट करेंगे। कैसे हैं नमो आलू पराठा? अच्छा अच्छा। कैसे जिनेश? बढ़िया बढ़िया। एक साइड इस साइड का व्यू देखो, ये पूरा का पूरा आइस वाला व्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे आइस के ग्लेशियर्स है। और एक साइड देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा सूखा सूखा पड़ा हुआ है। मैं आपको एक घर अच्छी तरीके से दिखाऊं, बस यहाँ पे सूखा ही सूखा है।